अपराध का साम्राज्य चाहे जितना भी बड़ा हो उसका अंत जो है दुखद ही होता है। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। एक जमाने में बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की बात कर रहे हैं। शहाबुद्दीन के समय में क्या कुछ था बिहार में, वो तो उस समय के लोग जान रहे होंगे, लेकिन जो कुछ मीडिया में जो रहती थी, जो खबरें रहती थी, अगर हम उसका केस स्टडी करते हैं तो बातें अच्छे समाज के लिए तो अच्छी तो नहीं कही जा सकती। फिलहाल शहाबुद्दीन जो है दिल्ली में है, सजा काट रहे हैं। हाई कोर्ट ने उन्हें अभी पैरोल पे जमानत भी है उनकी मंजूर कर दी है, लेकिन शहाबुद्दीन की बिहार में नो एंट्री हो गई है। अब ये कैसे हुई ये आपको आगे बताएंगे। बहरहाल बताते हैं आपको कि ये पैरोल क्यों मंजूर हुई है और इस पैरोल में क्या कुछ कहा गया है। जो शहाबुद्दीन के लिए जो पैरोल मंजूर की गई है उसमें वो 3 दिनों का वो पैरोल मंजूर किया गया है, जिस दौरान वो दिल्ली में ही रहेंगे और दिल्ली में ही अपने परिवार के सदस्यों से, चाहे वो रेगुलर 3 दिन का वो ले सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, जिस दौरान उन्हें 1 दिन में मैक्सिमम 30 मिनट जो है अपने परिवार के सदस्यों से मिल पाएंगे, या फिर ये दिन जो है अलग अलग भी हो सकता है, जैसे कि अगर आज मिले हैं तो परसों भी मिल सकते हैं, किसी अन्य दिन भी मिल सकते हैं, लेकिन 3 दिन की जो है पैरोल उनकी दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें मंजूर किया है, जिस दौरान वो अपनी माँ से मिल पाएंगे, अपने परिवार के अन्य सदस्यों से मिल पाएंगे। ये पैरोल क्यों मंजूर किया गया है आपके मन में सवाल होगा। दरअसल बिहार के बाहुबली और जो पूर्व सांसद हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनके पिता की मौत जो है 19 सितंबर को हो गई थी। ऐसे केस में जो है जब किन्हीं के पिता की जो सजा याफ्ता होती है, उनके पिता की अगर मृत्यु हो जाती है तो बेटे को पैरोल देने का जो है प्रावधान है संविधान के अनुसार, ऐसे में उन्हें पैरोल मिली है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब शहाबुद्दीन को दिल्ली हाईकोर्ट ने पैरोल पे जमानत दे दी है तो अब वो बिहार की धरती को क्यों नहीं चूम सकते हैं, बिहार क्यों नहीं लौट सकते हैं, जो उनका जन्मभूमि रहा है, जो उनका कर्मभूमि रहा है, वहाँ वो क्यों नहीं लौट सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब यही है कि दरअसल दिल्ली पुलिस ने, और अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बात जो आती है हस्तक्षेप की बात आती है बिहार पुलिस की बात आती है। बिहार सरकार ने अपने हाथ सीधे तौर पर खड़े कर दिए हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार के बाहुबली और जो पूर्व सांसद हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन अगर बिहार आते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो नहीं रख पाएंगे। इस बात से दिल्ली पुलिस ने भी इनकार किया, उन्होंने कहा है कि जब वो यहाँ आएंगे तो उन्हें जो है न्यायिक हिरासत में रखने की जिम्मेदारी बिहार सरकार इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाएगी, और वो अगर ऐसे आते हैं पैरोल पे बिहार आते हैं तो उनकी सुरक्षा की भी जो जिम्मेदारी है वो बिहार सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी, जिसका फिलहाल बिहार सरकार निर्वहन करने में असमर्थ है। तो इस कारण उन्होंने जो ये बिहार सरकार ने अपनी बातें दिल्ली हाईकोर्ट को बताई है, तो अब जो है शहाबुद्दीन जो बिहार के बेटे रहे हैं और बिहार में ही उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है, तो शहाबुद्दीन जो है उनकी भले ही पैरोल पे रिहाई हो गई हो लेकिन वो दिल्ली में ही रहेंगे, दिल्ली में ही 3 दिन तक अपने परिवार के सदस्यों से 1 दिन में मैक्सिमम जो है अधिकतम 30 मिनट तक का मुलाकात कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी कारण हो गई थी जिस कारण से अब जो है शहाबुद्दीन की बिहार में नो एंट्री हो गई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है, बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।